Hello students, today we are going to start your science part 1, 5th chapter. Okay. And the name of the chapter is heat. So this is very simple chapter, बहुत ही simple chapter है. All we have to study is only 5 things. सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में इस पूरे के पूरे chapter में बात की गई है और हम वही पाँचों के पाँचों चीज़ें discuss करने वाले हैं, ठीक है? तो सर सबसे पहला चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है टॉपिक्स, ठीक है? तो आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे टॉपिक क्या क्या लिखा है मैंने. सबसे पहला टॉपिक है अबाउट लेटेंट हीट, ठीक है? उसके बाद है रिजलेशन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो दीज आर ऑल 5 टॉपिक्स विच इज़ गिवन इन आर सिलेबस. ओके, हमारे बुक में यही सिर्फ 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं और इसी के बारे में हम सिंपल बात करने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले हीट क्या है इसके ऊपर से, है कि नहीं? सबसे पहले अगर आपको चैप्टर का नाम ही नहीं पता रहेगा, चैप्टर के नाम के बारे में ही नहीं पता रहेगा, तो ये सब चीज़ जान के क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ कि वॉट इज़ हीट, हीट क्या है, ठीक है? तो आप में से कुछ लोग उठे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने बोला कि सर हीट जो है ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो भी एनर्जी है उसका एक तरीके का फॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं. समझ में आया? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है? जैसे कि आपने 9th में किया रहेगा, 8th में किया रहेगा, आपके टीचर लोग ने बताया रहेगा आपको, ठीक है? नाउ अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अब एक चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि हीट क्या ट्रैवल करता है क्या, मतलब हीट एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है क्या, वापस रिपीट करता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो हीट है, ठीक है, ये जो हीट है क्या ये एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है, बराबर? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या ये हीट ट्रैवल कर सकता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? सो सबसे पहले वो पहला, क्या कैन हीट ट्रैवल, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन हीट ट्रैवल, ठीक है? दूसरा हमको ये जानना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है? सो ये दो चीज़ों के बारे में, ये दो क्वेश्चंस के बारे में इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, एकदम बेसिक सा लेक्चर है जिसमें आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा इस चैप्टर का व्यू पॉइंट क्या है, ये चैप्टर आपको बताना क्या चाहता है, ठीक है? सो सबसे पहले मैंने क्या पूछा, सबसे पहले मैंने आपसे सिंपल सा लॉजिक पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि क्या भैया हीट ट्रैवल कर पाएगा, है कि नहीं? क्या ये हीट जो है, जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या ये इधर से उधर जा सकता है, ठीक है? बताता हूँ. तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपने 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने ये एग्जांपल देखा रहेगा. इमेजिन ये क्या है, एक आयरन रॉड है. कौन सा है? आयरन का एक रॉड है, राइट? और यहाँ पर आपने क्या किया है, एक बटर, ठीक है, बटर मक्खन वो रखा हुआ है. सिंपल सी बात है, ये एक आयरन रॉड है, आपने एक बटर उधर रख दिया है, ठीक है? एंड व्हाट यू आर डूइंग इज, यहाँ से इसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, यहाँ से क्या कर रहे हो, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो. सो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये बटर मेल्ट हो सकता है, ठीक है कि नहीं? सो क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखते हैं. आयरन क्या है, आयरन एक तरीके का मेटल है, आयरन इज अ मेटल. और आपने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो उसमें मेटल्स का आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि मेटल्स जो भी हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है कि नहीं? याद आया रहेगा आपको, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? मेटल्स अपने अंदर से हीट भी पास करा सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट भी पास करा सकते हैं, ऐसा आपने 8th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था, ठीक है? सो इतना तो पता चल गया कि आयरन क्या है, एक तरीके का मेटल है. तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल में बेसिकली जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एकदम चिपके हुए रहते हैं, ठीक है? तो ये ज़्यादा गर्म होगा तो अपना हीट उसमें ट्रांसफ़र कर देगा,
नाउ द क्वेश्चन इज ट्रांसफर ही क्यों कर रहा है कि नहीं? अरे ट्रांसफर क्यों कर रहा है भाई? ये मॉलिक्यूल ज़्यादा गर्म हो जा रहा है क्योंकि वो जो आपका बर्नर है उसके पास में है, तो वो हीट दूसरे में क्यों ट्रांसफर कर दे रहा है? सिंपल सी बात है, आंसर ये देखो, इधर है आपका आंसर। हीट क्या है? एक तरीके का एनर्जी है, और एनर्जी क्या करता है? एनर्जी क्या करता है? फ्लोज, या फिर एनर्जी जो भी है ट्रैवल करता है, ट्रैवल फ्रॉम हायर लेवल टू हायर लेवल टू लोअर लेवल। समझ में आ गया? एनर्जी क्या करता है? ये हाई लेवल से लो लेवल पे जाता है, ये भी आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहेगा, ठीक है। नाउ अभी बताता हूँ आपको, ये मॉलिक्यूल ज़्यादा गर्म हुआ, इसके अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी आ गया, तो इसका जो लेवल हो गया वो हाई हो गया, है कि नहीं? उसका लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। अब जैसे ही उसका लेवल बढ़ गया, जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो उसके बाजू वाला मॉलिक्यूल क्या है, उसका टेम्परेचर कम है, उसका लेवल लो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये जो हाई लेवल वाला है उसमें लो लेवल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। फिर ये इसमें ट्रांसफर करेगा, इसमें ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर, एंड कुछ टाइम के बाद ये जो बटर है ये ऐसे मेल्ट हो जाएगा। सिंपल। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, मम्मी जब खाना बनाती है, घर पे जब खाना बनता है, ठीक है, तो इमेजिन एक चमचा है, उसके आजू बाजू में रख दो, या फिर उस चमचे को जो हांडी में खाना बन रहा है उसमें डाल के छोड़ दो। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जैसे वो चमचा पकड़ा, मज़ा आ गया कसम से, है कि नहीं? सो जैसे आप उस चमचे को टच करोगे, जैसे ही उस स्पून को आप हाथ लगाओगे, तो जलेगा हाथ, चटका लगेगा एक। क्यों लगा? जबकि उस पर तो थोड़ी हीट दे रहे हैं, हीट तो हम लोग वो अपना जो कंटेनर है उसके ऊपर हीट दे रहे हैं, बराबर। तो कहीं ना कहीं हीट क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। और ये कौन से फॉर्म में है? तो देखो, ये जो मेटल है दे आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बराबर। क्या बोला था? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इसके अंदर जो भी हीट ट्रैवल कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन। क्या बोलेंगे? कंडक्शन, सही है। उसके अंदर जो हीट ट्रैवल होगा उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन। सर कोई और तरीके से है क्या? मतलब ये जो आपने बताया, ये तो मेटल का मतलब ये तो जो भी है ये तो एक सॉलिड है सर, इज देयर एनीथिंग अबाउट लिक्विड? क्या लिक्विड में भी हीट ट्रैवल होता है? यस होता है, उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, CONVECTION, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। सर गैस में भी होता है क्या ट्रैवल? हाँ होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। समझ में आया? सो ये तीन तरीके से हीट क्या करता है? ट्रैवल करता है, बराबर, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि हाँ हीट ट्रैवल करता है, यस। कौन कौन से तरीके से करता है? तो तीन मेथड्स भी बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेजर चीज़ है विच इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ओके। सो डू यू थिंक कि जो हीट है और टेम्परेचर दोनों सेम है? ऐसा लगता रहेगा कि हाँ सर दोनों सेम है, क्योंकि फ़र्क ही नहीं दिखता है हमको, है कि नहीं? बट द प्रॉब्लम इज कि ये दोनों कभी भी सेम नहीं थे, दे आर डिफरेंट। ये हमेशा याद रखना, दे आर डिफरेंट, दोनों कभी भी अलग नहीं है, ठीक है। सो इसके बारे में बेसिकली मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा, ठीक है। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज आपको हीट का डेफिनेशन याद होना चाहिए, हीट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करना, एंड देन ऑल द टॉपिक्स, जो टॉपिक्स है इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक्स ऑल।